वहीं बाराबंकी सांसद प्रियंका सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पुरानी पिक्चरों के जादूगर नहीं है जो एक मंत्र फूंककर सब कुछ ठीक कर देंगे। दरअसल सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि मोदी के आते ही 5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उनके सांसद लोगों को समझ आ रहा है कि मोदी कोई जादूगर नहीं है। उन्होंने देश को 60 साल पीछे करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, इन 4 वर्षों के कार्यकाल में आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री जी के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, वो भी इंसान है, कोई पुरानी पिक्चरों के वो जादूगर नहीं है जो एक छड़ी लेकर खड़े रहे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भोलानाथ। भोलानाथ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सांसद जी ने तो पीएम पर ही कटाक्ष कर दिया और सवाल निशान लगा दिया कि पीएम कोई जादूगर नहीं है। बिल्कुल बता दें कि पहला मामला नहीं है, अपनी बयानबाजी के और कारनामों के चलते हमेशा चर्चा में बनी रहने वाली लोकसभा बाराबंकी लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका सिंह रावत इन दिनों असल में चुनाव हाल ही में होने वाले हैं और उसी पर किसानों को लेकर सभा करने गई थी रामनगर में, और जहां पे इन्होंने साफ बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जादूगर नहीं है कि वो छड़ी घुमाएंगे और जादू कर देंगे, 5 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भोलानाथ।